वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ एक चैलेंज जो कि काफी अमेजिंग है, और वो चैलेंज का नाम है 24 आवर इन 10। और गाइस इस चैलेंज में मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया कि मैं आज डुगू जो कि मैं छोटा भाई डुगू इधर आओ डुगू के साथ मैं चैलेंज करूंगा। और डुगू को देख सकते कैसा तैयार हुआ, बैग भी डाल के अपने छोटा सा, कैसे हम आज एक्सपीरियंस करने वाले कि हम कहीं बाहर अकेले दोनों कैंपिंग पे हैं और छत पे और सारा हमारा मटेरियल रेडी देख सकते हैं। योगा मैट, थोड़े ब्लैंकेट और साथ में नीचे बिछाने के लिए चादर पड़ी हुई है, हमारा टेंट है और बाकी सारा सामान उसके अंदर है और बॉटल सारा सामान बैग के अंदर है। और अब हमें लगाना पड़ेगा टेंट। बाद हमारा टेंट तो लग चुका है और अब हमें इसकी थोड़ी सी इंटीरियर डेकोरेशन करनी है ताकि सोने में भी मज़ा आए थोड़ा सा। और अभी काफ़ी मज़ा आया टेंट, मतलब मेरे को तो फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं किसी एडवेंचर पे आया हूँ। काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है, ठंडी सी हवा चल रही है थोड़ी सी और अंदर थोड़ा सा ब्लैंकेट ब्लूकेट रखे हुए हैं। गाइस यह अंदर घुसना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये हमारा छोटा डुगू भी आ चुका है अंदर ही। अब हमें सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा। डुगू एक मिनट बाहर जाएं, बाहर जाए डुगू। अभी हम इधर लगाते हैं अपना कैमरा, सेट कर देते हैं थोड़ा सा, इधर सेट कर दी मैंने कैमरा। ओके और अब आपको कंप्लीट फुटेज मिल जाएगी, ठीक है। और अभी हमें अब सेटअप शुरू करना पड़ेगा। वहां पे तो आंटियां भी हमें देख के हंस रही हैं। और ये भी पकड़ टुकू, हम सब कुछ बाहर निकाल दे, तो सेटअप कर ले हम, उसके बाद सारा सामान अंदर सेट करेंगे अच्छी तरह से। काफी डिफिकल्ट काम है अकेले कैंपिंग करना, तो और थोड़ा सेटअप कर दे हैं। चादर चूदर बिछा रहे हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं हम। और अभी तो थोड़ा लग रहा है कि कंफर्टेबली सब कुछ हो चुका है, डुगू सराना दे। और ये हमारा पिलो भारी भरकम ये लग चुके हैं अंदर, और साथ में डुगू कंबल दे दे उठी। हाँ ये कंबल आ चुके हैं अपना अंदर। मैं तो काफी थक गया, उनको कुछ शैतानी ना कर यार। और ये रख दिया अंदर बैग हमने इधर साइड पे थोड़ा सा, और अपना कैंप हो गया रेडी। अब थोड़ा सा और काम करने हैं। अब मैं लाइट लाया, लाइटें लगा रही हूँ मैं ऊपर थोड़ी सी लुक के लिए। रुको आ जाओ अंदर। हाँ अब हम वो ले लेते हैं, टेंट के इसको टेंट लगा है। तो गाइस सारे हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा और सामान निकाल लें, सारा सेटअप तो हो चुका है ये एक स्पेयर लाइट। और अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है, डुगू आ रहा है ना मज़ा। थोड़ी देर में हम थोड़ा और भी थोड़ा इन्जॉयमेंट करेंगे। एक मिनट अभी मेरे को थोड़ा सामान निकाल लें, उसके बाद मैं आपको टॉर्च दिखाता हूँ। छोटी सी टॉर्च कहाँ गई है यार, डुगू
कलर की कौन सी? कौन सी? ब्लैक कलर की थी। नहीं नहीं यार, कलर्स लाइट मिली नहीं, शायद कहीं और हो गई, शायद रह गई। ये? नहीं नहीं ये नहीं है। और अभी सब कुछ अंदर डाल रहे हैं हम। अभी हम यार क्या करें, टॉर्च तो रह गई हमारी। लुको छोड़ 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 दे बस। नहीं लुको, ये एयरपोर्ट से नहीं है गाइस। अभी ये थोड़ी नेट लगा देते हैं, मच्छर को लग तो नहीं रहा है, ये पर फिर भी नेट लगा ही दे। और ये हमारा टेंट हो गया रेडी। मैं थोड़ा सा टूर दे देता हूँ आपको टेंट का। ये है हमारी सबसे अच्छी जो कि डुगू, फिर मैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा तकिया लगा है, नीचे एक ब्लैंकेट पड़ी है और साथ में एक हमारा कंबल भी है, और एक कोजी होने के लिए कि अगर थोड़ी ठंड लगे रात को तो हम कंबल में भी आ सकते हैं। और मज़ेदार है टेंट, आपको जो है तो दिख ही रहा होगा। और थोड़ी लाइट सेटअप कर दे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रात के टाइम मैं इसी तरह शूट करूँगा। मेरी जो स्पेयर लाइट है, डुगू मच्छर है यार, मच्छर आ भी गया। ये देखिए, ये है हमारी ग्लासेस डुगू। और गाइस ये हमारी ग्लासेस हैं जो कि डुगू पहनेगा स्पेशली नैतिक की, है ना। और डुगू जी आप ये ले, हाँ डुगू पहनेगा, ये लो पहनो। ओके, और अब देखते हैं डुगू की पर्सनैलिटी। वाह डुगू, हाँ डुगू खुश हो गया है। और हाँ आराम से, यो मैन। और यार मैं तो बड़ा थक गया, मैं तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा इधर ही सो जाओ, कि काफ़ी मज़ेदार सा सीन बना हुआ है। और डुगू मज़ा आ रहा है? हाँ डुगू काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज हम इधर ही रहने वाले हैं। डुगू डरना नहीं रात को, ठीक है? आज सच्ची में इधर ही रहना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है ना? आज मेरे से ही सोना है। हाँ गेम में भी खेलेंगे रात को। और इसमें फिर से बुक्स भी लाया हूँ अपने साथ, ये बुक है हमारी, इसमें मैं लिखता हूँ वीडियो के कंटेंट के बारे में और कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग भी करेंगे हम। डुगू एक्टिंग भी कर रहा साथ में हमारा। डुगू कुछ बोल तो सही, कुछ डायलॉग मार। डुगू गाइस दोस्तों, आपको लगता है कि आज हम, मेरा दिल सोच रहा था कि मैं कहीं घूमने जाऊं, तो मैंने गद्दी निकाली और चल गया। हां गाइस, डुगू भी हमारा छोटा सा यूट्यूबर, आपको जैसे कि पता होगा डुगू भी काफी वीडियोस बनाता है। इसका नाम नैतिक है और चीना। और मैं डुगू थक गया हूँ, आज थोड़ा सोए हम। चलो आपको सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर आपको बाद में ही मिलेंगे हम। और गाइस भी हम उठ चुके हैं। गाइस शाम हो चुकी है और वहाँ से निकला है चांद, वो देख सकते हो चांद है। और पीछे का व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है, देख सकते हैं कि अलग टाइप का व्यू आ रहा है और मेरे को मज़ा आ रहा है। और अभी हम कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं और अंधेरा सा पड़ने लगा है और रात के टाइम तो हमारी बुढ़िया लग भी होने वाली है ना लगू। ये रहेगा इस टेंट हमारा, थोड़ा अंधेरे में आ चुका है। और आ रहा वो देखिए, काफ़ी मज़ेदार सीन है। और पीछे आप वो बड़ा सही लग रहा है, आप देख सकते हो व्यू देखिएगा इस कितना ज़बरदस्त है, मज़ेदार व्यू है। चलो आज चले कुछ खाने, चलो चलो नीचे। गाइस शाम हो चुकी है और अब देख सकते हैं अंधेरा पड़ना सा शुरू हो गया थोड़ा सा। और अभी हम, मैं बंद कर देता हूँ अपना टेंट, क्योंकि रात के टाइम यार डर ही लगता है मेरे को भी। और इसको हम बंद देते हैं इस तरह से, थोड़ा सा लॉक और बंद कर देते हैं इसको हम। और ये हो चुका है बंद। और अभी मैं थोड़ी सी लाइट चकाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट मेरी फेस लाइट जो है। गाइस अभी मैं लाइट निकाल रहा हूँ और अंधेरा हो गया है और आपको भी लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा माहौल बन चुका है अपना यहाँ पे, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। और अभी ये हमारी लाइट है, इसको मैं इस तरह से कुछ ऐसे अपने फ़ोन पर लगा दूँगा इस तरह से। हाँ अब गाइस आपको दिख रहा है के मतलब अंधेरा हो चुका है टेंट में और डुगोर में बैठे हैं और अंधेरा हो चुका है और डर सा भी लग रहा है थोड़ा।
ये रात हमने आज छत पे गुजारनी है, और कोई बड़ा भी नहीं आगे, तो वीडियोस बनाते थे हम अकेले बनाते थे, और काफ़ी मज़ेदार सिस्टम भी है, और थोड़ी हवा चल रही है ठंडी सी, और ठंडी के मौसम में हमने कंबल कंबल सब कुछ रखा हुआ है, और छत पे है, अपने घर की छत पे ही हैं हम, और कोई बात नहीं, और अगर कोई डर लगेगा तो रात को नीचे भी उतार लेंगे हम टेंट उसी में फिर हम कैंपिंग कर लेंगे, और ठीक है सब कुछ मज़ेदार है। लाइट भी प्रॉपर आ गई है, अब आपको दिख ही रहा होगा मेरा फेस पिक्चरों से, तो अगर मैं लाइट उतारता हूँ तो आप देख सकते कि इस तरह से हो जाता है, और लाइट लगाते इस तरह से हो जाता है। वो बैठा है इधर वो भी चुप हो गया, काफ़ी हो चुका है, और डुगू मेरे साथ ही खड़ा है, ये देख सकते हैं, और हमें तो थोड़ा डर लग रहा था इसलिए हमने टेंट नीचे जो नीचे वाला कमरा है उधर ही हमने लगा लिया, देख सकते हैं मतलब टेंट हमने इधर ही लगा लिया, और ये बाहर का आउटर व्यू है जैसे देख सकते हैं आप, ऊपर आसमान दिख रहा है, और ठंड काफ़ी हो चुकी है, गाइस अंदर आ गए हम, और यहाँ पे तो काफ़ी सही सा माहौल है, और हम अपनी वो बंद कर लेते हैं, ओहो लाइट हिल रही है, और ये बंद कर लेते हैं अपना आउटर गेट जो है उसको हम बंद कर लेते हैं, ये पीछे बंद कर लेते हैं, बंद कर दी है, और टेंट में घेरा हो चुका है, और मैं डुगू के साथ लग रहा देखो, और डुगू को थोड़ा सा डर सा लग रहा है, क्योंकि चलो फिर भी हम कमरे के अंदर ही बैठे हुए हैं, कोई खास डरने की बात नहीं, मैंने कमरा लॉक कर दिया था बाहर से, तो अब आपको सुबह मिलेंगे टेंट में, रात की से बताओ। डुगू अब सोने लगे हैं क्योंकि रात काफी हो गई है, पर मैं सुबह मिलूंगा आपसे, आए हम लेट गए, डुगू ठंड में गरम गरम कंबल का मजा ही अलग सा होता है, और ये हम लेट गए हैं, और यार लाइट को पता नहीं क्या, और लाइट बार बार बंद होती जा रही है, डुगू डर ही जा रहा है, डुगू डर रहा है ना, तो डुगू डर सा लग रहा है, और अब मैं आपको सुबह मिलता हूँ यार।